अगर शांत माहौल हो, सुकून भरा दिन हो, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। खबर क्या है? खबर क्या है? खबर यह है, डराना है इसलिए गोली चला दी। मतलब सोचिए, शांति से शहर में सब कुछ घट रहा है, पर डराना है इसलिए गोली चला दी। खबर क्या है, चलिए बता देता हूं। खबर यह है कि अगर शांत माहौल है, सुकून भरा दिन हो, मैं आपसे कह रहा था ना, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। आज रायपुर में गोली चली, मतलब फायरिंग हुई है, दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। लेकिन आपको पता है, ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं चलाई गई, ये गोली लोगों को डराने के लिए चलाई गई। हद हाल है भाई। चलिए पूरी खबर बता देता हूँ। आज राजधानी रायपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों ने फायरिंग की है। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये फायरिंग PRA ग्रुप यानी प्रहलाद राय अग्रवाल ग्रुप के दफ्तर के बाहर हुई। दो नकाबपोश लोग पल्सर बाइक में सवार होकर ऑफिस के बाहर पहुंचे और धाएं धाएं देखते ही देखते दो फायरिंग की और दहशत का माहौल बनाकर रफू चक्कर हो गए। एक फायरिंग हवा में की और दूसरी कार पर। बेखौफ बदमाशों की ये करतूत पूरी CCTV में कैद हो गई, इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा पा रहे हैं। और एक बात, ये सारी घटना सिर्फ और सिर्फ कारोबारी को डराने के लिए की गई है। डराया गया ताकि एक कारोबारी जो दिन रात मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है, उससे कुछ पैसे ऐंठे जा सकें। पुलिस प्रशासन भी वारदात के बाद एक्टिव हो गई है और कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी जिले के। थाना तेलीबांधा अंतर्गत आज सुबह 11 बजे के आसपास तेलीबांधा और पचबड़ी नाका के बीच एक कारोबारी है, उनका ऑफिस है। वहाँ पर अज्ञात नाकामपोश बाइक सवार आए और उन्होंने हवाई फायरिंग की है, दो फायरिंग की है और वहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी की, विभिन्न जगहों पे चेकिंग पॉइंट लगाए गए। इसी के दबाव में उन्होंने श्याम नगर के आसपास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी है और वहाँ से फरार हुए हैं। सभी तथ्यों पर जांच जारी है। रायपुर SP ने घटना की जानकारी लगते ही पूरे राजधानी की पुलिस को अलर्ट कर दिया। राजधानी का मसला है, रायपुर का मसला है, रायपुर में पूरा सिस्टम है, इसलिए इस खबर को बताना जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, यहाँ ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ इस तरह से गोलीबाजी करके किसी को डराया धमकाया नहीं जाता है। इसलिए अगर छत्तीसगढ़ में इस तरह की शुरुआत हो रही है तो विस्तार से विश्लेषण करना जरूरी है। राजधानी रायपुर में क्यों कैसे आके ऐसे टाएं टाएं गोली चला के जा सकता है, इसलिए ये बताना और दिखाना जरूरी है। जिसके बाद फौरन राजधानी के CCTV फुटेज की तलाश की गई। फुटेज की तलाश करने के बाद पता चला कि फायरिंग करने के बाद दोनों गुर्गों ने तेलीबांधा की गुरुद्वारा रोड पर बाइक को पार्क किया और फिर वहां से दूसरे वाहन के जरिए निकले। ये पूरी खबर इसलिए दिखा रहा था ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर क्या हो रहा है।